हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो हमारे एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम खत्म हुए अभी, तब से हमें टाइम नहीं मिला। वीडियोस वगैरह हमने शूट की थी लेकिन एडिट वगैरह नहीं की, तो फिर हम अपलोड भी नहीं कर पाए। आज काफ़ी देर के बाद हम वापस वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो बालों की हालत क्या है, बाल जंगली जैसे हो गए हैं, हेमंत की भी मेरे भी। तो हमें एक फ्रेंड से पता चला कि यहाँ पे एक अफोर्डेबल शॉप है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है सैलून वगैरह में जाना। तो हमें पता चला कि स्टूडेंट के लिए प्राइस वगैरह अभी हमें नहीं पता है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर प्राइस की और कटिंग वगैरह कैसी होती है, वो आपको दिखाते हैं वहाँ का रिव्यू। अभी हमें शायद पहले बस लेनी है। खाली इतना पता चला है कि बर्नौल में सबसे सस्ती कटिंग हो रही है वहाँ पे, अब जाके देखते हैं कितनी सस्ती है और क्या है सस्ती। और मुझे लगता है शायद हमें नीचे से बस लेनी है ना, वहाँ से तो हम बस लेंगे। यहाँ से मतलब सिटी से तो बाहर है वो, हमें यहाँ से टाइम लगेगा जाने में, यहाँ से काफ़ी दूर है, शायद एक घंटा लग जाए। पहले वहाँ जाएंगे फिर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमें किस जगह पे जाना है और बस हम कहाँ से लेंगे। अभी आप बस स्टॉप पे चल के आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, बस में चढ़ चुके हैं, यहाँ पर आज फोन में देख रहा है इस बार कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई करा जाए, देख के बताएगा। समझ नहीं आ रहा है कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई करना है। बस पूरी भरी पड़ी है क्योंकि इस टाइम सब लोग ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, ट्रैम्स में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों में तो बहुत कम ट्रैवल करते हैं। इनके घर पे गाड़ी होती है फिर भी नहीं जाते, जब तक एक ही जने को अगर बाहर जाना है तो। भाई ये कैसी बढ़िया, ये भी बढ़िया लग रही है, चश्मे वाली ना। तो गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं, ये पीछे आप जैसे कि देख रहे हो ये रशियन में यूनोस पे लिखा हुआ है, इसके अंदर ही अपनी बार्बर शॉप है। वहाँ पर जाते हैं अंदर और उनसे रेट वगैरह पता करते हैं। और अब राज ने स्टाइल देख लिया, कौन से स्टाइल के बाल कटवाने, मैंने भी देख रखा है, दिखाते हैं अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आजा। गाइस, अभी जैसा आपको बताया बाल कटवाने आए, मगर भूख इतनी तेज लगी है कि सोचा कुछ खा लेते लेके, और कोई ऑप्शन मिला नहीं तो फ्रूट्स उठा लिए, सेब और संतरे। अच्छी डाइट है, हेल्थी है और पेट में भी जाएगा कुछ ना कुछ, फ्लैट पे जाके कुछ बनाएंगे बढ़िया, हेल्थी खाएंगे, बिलिंग करवाते हैं। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बिलिंग दो किस्म की होती है, एक तो वहाँ पे जाके आप दे सकते हो, खुद बिलिंग कर देगी आप, और यहाँ तो यहाँ पे ये मैं दिखाएगा आपको बिलिंग कैसे करनी। ये हमने कैटलॉग में अपने चूज करा फ्रूटी मतलब फ्रूट्स, अब हम देखेंगे अपना मैंडरिन कौन सा था, मैंडरिन मखोर, मैंडरिन अपने यहाँ डालेंगे, यहाँ वेट हो जाएगा इसका और इसको प्रेस कर देंगे। अब हम दूसरा फ्रूट अपना चूज करेंगे, अपना दूसरा फूड है एप्पल, रेड रेड, हाँ हाँ, डब्ल्यू की रेड रेड, ये वाला है अपना दूसरा एप्पल डाला, और यहाँ से हम अपना बिलिंग कर सकते हैं। ये पूछ रहा है आपको पैकेट चाहिए नहीं चाहिए, मगर हमें नहीं चाहिए तो हम विदाउट पैकेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से कार्ड से कर सकते हो, स्कैन करके कर सकते हो, सो इजी हो गई बिलिंग। सो गाइस, हमारी दुकान जो है सेकंड फ्लोर पे है, पहुंचाया जा रहा है। देखो ये जो पोस्टर लग रही है ना पैरों वाले, इस पे लिखा रशियन में त्रिचका 220 रुपीज, वहीं बस हमें वहीं जाना है, वो लास्ट वाली हमारी दुकान है। देखते हैं अब जाके कैसे बाल काटते हैं, पहली बार हम ट्रायल लेने आए हैं, गाइस बाल कटवाने आए थे, मगर पता चला कि अभी इन्होंने 20 मिनट का ब्रेक के लिए बंद कर दिया दुकान, तो 20 मिनट तक घूमते थोड़ा और यही मॉल में, और भी काफ़ी दुकान है, देखते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ है? पूछते पूछते अगर हम मरियारा में ना रुकते एप्पल खाने के लिए तो क्या पता हमारे बाल कटर होते इस टाइम, मगर क्या है, चलो 20 मिनट का घूमते, मगर ये कि अपार्टमेंट के लिए लेट हो जाएंगे, रात रात लगभग हो जाएगा जाते जाते, देखते क्या करें। अब 20 मिनट तो हमें मिल गए थे, तो 20 मिनट हमने सोचा हम क्या करें, डाइट ही पूरी करते हैं, तो हम अंदर हमें यहाँ पे फिक्स प्राइस मिल गया, तो यहाँ से प्रोटीन बार ली और मैंने अपने लिए खजूर लिए, हेमंत ने भी लिया प्रोटीन बार और खजूर लिए, घर के लिए कर भी देखे हैं, अभी ज़्यादा टाइम लेके ज़्यादा टाइम सोचते हैं कि जब कटिंग वगैरह हो जाएगी फिर उसके बाद, यहाँ पे मैट हमने नहीं देखा तो देखते हैं। असल में क्या है ना कि हमें घर का देखना पड़ता है, घर घर के बड़े हैं, घर का देखना पड़ता है, उन बच्चों को वहाँ पालना पड़ता है जो अपार्टमेंट में साथ में रहते हैं, तो अभी सामान देख निकलते टाइम देखेंगे, अगर वो ठीक लगा तो वो ले लेंगे,
अभी शायद वापस ये खा के वापस चलते हैं, शायद टाइम होने वाला है। ये अबराज बैठ चुका है बाल कटवाने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपना यहाँ पे होते 220 में कटिंग होती है यहाँ पे। असल में क्या है, और जगह पे यहाँ बरनोल में 500 रुपये या 400 रुपये में कटिंग होती है, मगर ये हमें मिला है यहाँ पे सस्ती कटिंग होती है। अबर आज अपनी कटिंग से बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में बैठा तो मैं सेटिस्फाई नहीं था, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई बाल चलेंगे, अब कहीं ना कहीं पैसे कम है तो बाल तो वैसे नहीं मिलेंगे। अब सोच रहे हाँ, बट स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक कटिंग होती है, अच्छी कटिंग होती है, आके यहाँ पे कटिंग। गाइस असल में यहाँ जब से हम आए 2.5 साल हो चुके हैं हमें यहाँ रहते हुए, जैसे हमें बाल चाहिए वैसे तो आज तक कटे नहीं, और एक बार हो रहे हैं चाहे आप सेम दुकान पे जाओ हर महीने, फिर भी वो अलग ही बाल काटेंगे, अपनी मर्जी से काटेंगे, कुछ भी उनको बताओ, दिखा दो फोटो दिखाओ, फिर भी जो अच्छे जहाँ हम गए वहाँ पे फोटो दिखा के काट देते हैं, फिर वहाँ पैसे लगते ज्यादा। यहाँ पे फोटो दिखा दो, ये मतलब देखते नहीं है, फोटो ऐसे ही है, फोटो बस देखा, एक आंख से देखा, बाल काटना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में 150 रुपए में दाढ़ी बन जाती है, बाल भी कट जाते हैं, यहाँ पे लगते हैं मिनिमम से मिनिमम 300-400, और ये मैं जो आज दुकान में लिए हैं 220 लगे खाली, ये चीज बढ़िया थी इसकी, बस पैसे ही बढ़िया है। बस का किराया मिला लो आने जाने का 30-60, 280 में बाल कट गई। सो गाइस बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं हम, बस का वेट कर रहे हैं, बस आ रही है अभी 2 मिनट में, फ्लैट पे जा रहे हैं, फिर डिनर वगैरह की तैयारी करेंगे। तो बस आज के व्लॉग में मुझे लगता है इतना ही है, कल और व्लॉग लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया व्लॉग, कोशिश कर रहे हैं गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग भी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, ओके बाय।